कितनी प्यारी लड़की है, माफ करना आप बर्गर और ड्रिंक्स नहीं लेकर जा सकते, तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। सिंडी ने सभी को चकमा देने का फैसला किया और उसने एक असाधारण हेयर स्टाइल बनाया सिर्फ मूवी के लिए। उसके बालों में लंबी सॉसेजेस से बनी एक्सटेंशंस हैं। रुको, ये खुशबू कैसी है? ये मेरा नया परफ्यूम है, बेकन नंबर 5। ठीक है, अंदर आओ, फिल्म का मजा लो। मैं आखिरकार अपने सारे सॉसेज खा सकती हूँ। लेकिन मीट की बदबू ने सारे रोमांटिक माहौल को खराब कर दिया। ये बाप और बेटा बड़ी आसानी से स्नैक्स छुपा कर ले गए। बेशक किसी को भी बच्चे पर शक नहीं होता, फिल ने इस चाल को आजमाने का सोचा। मुझे बस एक एक्टर को किराए पर लेना है अपना बेटा बनाने के लिए। चलो चले बेटा, हम एक मजेदार मूवी देखेंगे। मुझे और मेरे बेटे को अंदर जाने दो, हमें एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का मौका बहुत कम मिलता है। तो ये आपका बच्चा है? मुझे विश्वास नहीं होता, माफ करना मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। एक स्प्राइट का कप कुछ भी असाधारण नहीं है, अंदर आओ। लेकिन यहाँ एक राज है, इसके अंदर स्प्राइट नहीं है, ये तो नूडल्स है। इंस्टेंट नूडल्स को स्प्राइट के कप में डालें, उबलता हुआ पानी डालें, स्ट्रॉ को काटें और प्लास्टिक का फोक इसके साथ जोड़ दें। कप को ढक्कन से ढकें। क्या बढ़िया आइडिया है, फिल ने भी इंस्टेंट नूडल बनाए हैं। देखो मेरे पास भी स्प्राइट है, ये सिर्फ साधारण स्प्राइट है। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? इस बॉटल के अंदर देखा जा सकता है जीनियस, आप थिएटर के अंदर नहीं जा सकते। देखो ये सिक्योरिटी गार्ड लोगों को खाना लेकर अंदर नहीं जाने देगा, हमें किसी भी तरह अपने विशाल हॉट डॉग को छुपाना पड़ेगा। बड़े बन को काटें, इसमें मस्टर्ड सॉस डालें, लेटस डालें, बोलोगना डालें और इसे टमाटरों से सजाएं। कितना प्यारा बच्चा है, हाय क्यूटी, मेरा छोटा बेबी, मेरा प्यारा सा छोटा खजाना। अंदर आओ जवान परिवार, हम आखिरकार अंदर आ ही गए। अब हम अपने जूसी हॉट डॉग को खा सकते हैं। चलो थोड़ी मेयोनीज इसमें डालते हैं अपनी बेबी की बोतल से। स्वादिष्ट। थिएटर में वेस्टर्न मूवी दिखाई जा रही है और फिल ने अपने घोड़े के साथ आने का फैसला किया। माफ करना आप अपने घोड़े की पीठ पर बैठकर नहीं आ सकते, आपको घोड़े के लिए टिकट खरीदना होगा। आओ यहाँ से चलते हैं ब्यूजी फेलर्स, उदास फिल ने अपने क्राइम पार्टनर को अलविदा कहा। मैं बहुत अकेला हूँ, कम से कम उसके काउबॉय हैट तो उसके साथ है। जिप लॉक बैग को काउबॉय हैट के शिखर के आकार में काटें और चिपकाएं। डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करते हुए इसे हैट के साथ चिपकाएं। इसके अंदर नाचोस डालें। बैग को नकली लेदर के टुकड़े के साथ ढकें, इसे हैट के साथ सिलें, फ्लैप जोड़ें, इसके अंदर सॉस छिपाएं। अब काउबॉय फिन अपने नाचोस अकेले खा रहा है, कितना दुखी है। लेकिन उसके वफादार घोड़ा उसे अकेला नहीं छोड़ता। ब्यूसी फेलर्स, मैंने तुम्हें बहुत याद किया।
सिंडी ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसने अपने लिए पूरी पिज्जा ड्रेस तैयार की। वो बिना किसी मुश्किल के अंदर जा सकती है। दोस्तों, मेरी ड्रेस में से थोड़ा थोड़ा ले लो, पता चला कि फैशन भी स्वादिष्ट हो सकता है। ये पिज्जा का गर्मियों का 2020 कलेक्शन है। इस विजिटर ने धोखा देने का फैसला किया। उसने फ्रेंच फ्राइज के अंदर फ्रेंच फ्राइज छुपा लिए। ये बढ़िया है। वेलवेट के फोम पेपर से फ्रेंच फ्राइज बॉक्स के आकार की पर्स की डिटेल्स काटें। सारी साइडों को अच्छे से चिपकाएं। इसमें पीली फोम पेपर की डिटेल्स जोड़ें। फोम पेपर का एक लूप जंप रिंग के साथ चिपकाएं और चेन का हैंडल हैंडबैग के साथ जोड़ें। मैकडॉनल्ड के लोगो का फोम पेपर लगाएं। रंगीन प्लास्टिक फोम शीट को डबल साइडेड टेप के इस्तेमाल से एक दूसरे के साथ जोड़ें। स्ट्रिप्स के तिरछे कोने काटें और इन डंडियों को पर्स के साथ ऐसे चिप जिससे ये फ्राइज की तरह लगे। फ्राइज को एक्रिलिक पेंट से ढकें। सिंडी ने भी अपने फ्राइज को एक सुंदर बैग में बदलने का सोचा। चलो देखें कि सिक्योरिटी गार्ड इसके बारे में क्या सोचता है। वाह, क्या रचनात्मक बैग है। अंदर आएं। कोई भी इस पर्स के साथ मेरे फ्राइज की तरफ ध्यान नहीं देगा। आपके पास क्या है? ये फास्ट फूड का फैशन है। ये तो सिर्फ फ्राइज है। चले जाओ, मैकडॉनल्ड उस तरफ है। सिंडी एक और असाधारण एक्सेसरी के साथ आई। ये अजीब यंत्र क्या है? ये नियमों के विरुद्ध नहीं है। ये मेरा कोका कोला से प्रेरित हेयर स्टाइल है। गत्ते से बने कोका कोला कप को काटें। गत्ते पर साइज ट्रेस करें। कार्डबोर्ड का नीचे का हिस्सा काटें और इसे कप के साथ जोड़ें। दोनों कपों को हेडबैंड के साइडों पर इस तरह चिपकाएं। इन्हें ढक्कन से ढक दें। किसी को पता नहीं लगेगा कि सिंडी द जूसी बर्गर इस हैंडबैग में छिपा कर लाई है। ये मूवी अब और भी मजेदार है। सिंडी मूवी के लिए इस तरह से तैयार होकर आई है जैसे एकेडमी अवार्ड्स के लिए। उसका पिज्जा ब्रॉड चमक रहा है। तैयार पिज्जा के क्रस्ट में से एक तिकोना टुकड़ा काट लें। इस पर पिज्जा की सामग्री लगाएं, पकाएं। खाने वाली गोंद के साथ ब्रॉड पिन को इस स्लाइस के साथ जोड़ें। पिज्जा सॉस को एक प्लास्टिक बोतल में डालें। और इन्हें अंगूठी के खाली हिस्सों पर चिपकाएं। वाह, कितनी खूबसूरत लेडी है। क्या मैं तुम्हारा हाथ चूम लूं? मेरे थिएटर में तुम्हारा स्वागत है। मुझे माफ करें, ये इमरजेंसी है, हम बंद कर रहे हैं, किसी और जगह चले जाएं। ये मूवी डेट पिज्जा के साथ सिर्फ हम दोनों के लिए है। कितना रोमांटिक है। आगे वाली लड़की के पास बहुत स्वादिष्ट कोक है। मुझे पता है वहाँ कैसे पहुँचना है। एक स्ट्रॉ को दूसरे के अंदर डालकर एक लंबी स्ट्रॉ बनाएं। आप उस स्ट्रॉ को एक रबर बैंड के साथ भी बांध सकते हैं। टिन अपनी लंबी स्ट्रॉ के साथ कोक पी रहा है। चलो भी, मुझे निराश मत करो पाई, ये काम कर रहा है। ये कोक बहुत मीठी है। लेकिन हॉली होशियार है। मेरी कोक क्यों चोरी कर रहे हो, जबकि तुम मेरे साथ बैठे खड़ोस के कप में से भी डाल सकते थे। उसकी कैलोरीज चुराओ। ये क्या है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कोक पीने की? आगे से टिन कभी भी किसी की कोक नहीं पीना चाहेगा।
क्या आपको हमारे फास्ट फूड फिल्म के दौरान पसंद आए तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप कैसे खाना चोरी छिपे थिएटर में लेकर गए, क्या आपने पिज्जा ड्रेस बनाई या फ्रेंच फ्राइज पर्स या फिर हॉट डॉग से बीबी। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि आप ट्रुम ट्रुम पर नए मजेदार मूवी लाइफ हैक्स मिस ना करें।